एक सितंबर से चालान बढ़ गए हैं, जहाँ 100 रुपये होते थे उसका 10,000-30,000 दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा मोदी सरकार की ये तानाशाही है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। जब 1947 में जो लगान लगाए थे अंग्रेजों ने लगाई थी ना, वो अब ये लगा रहे हैं क्योंकि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जुर्माना कर करके। यही हो रहा है और क्या होएगा आगे, क्योंकि यहाँ इनका भैया ये पैसा बन रहे हैं, आगे ये जीतेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होना इनके आगे। बेरोजगारी बढ़ रही, क्या होगा, छीना झपटी हो रही दिन में दिन हो रही है। जो रोजगार कर था वो रोजगार सारा ख़त्म हो गया, अब चोरियाँ बढ़ रही हैं, क्या होगा फिर? पर असर पड़ा है और घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं गाड़ी लेके, बहुत सारा फर्क पड़ गया। इतने सारे डबल चरगुने चलान कर दिए, ये इंडिया है, इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब है, किसी को खाने के घर में नहीं है, वो कहाँ से 25-25,000 रुपये चलान भरेंगे, 10-10,000 भरेंगे, ब्याज पे लाके भरेंगे, अपने आप को बेचेंगे, जोड़ू बेटी को बेचना पड़ रहा है ना इस समय। 40,000 रुपये का एक गाड़ी का चलान कट गया, एक गाड़ी का 20,000 का चलान कट गया, हम तो बजाय रोटी की जगह चाय और तुम्हारे सामने बंद खा रहा है। ऑटो वाले की इतनी कमाई नहीं है जितने की चलान हो गए हैं, कहाँ से भरेगा ऑटो वाला? ऑटो वाले के लिए कोई सुविधा तो है नहीं, ना तो कोई पार्किंग है ना कोई स्टैंड है, किसी सवारी के लिए ना स्टैंड है हमारे लिए है और ना कोई पार्किंग है। इसलिए गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा ये बताओ तुम मुझे? हम गरीब आदमी है, 500 रुपये कमाते हैं, ऐसे में बच्चे कैसे पालेंगे हम? 500 में खर्चा चल रहा है, बीवी है, बच्चे हैं, सारे फैमिली है हमारी, कहाँ से लेके आएंगे? 100 रुपये का चालान है, 2,000 का कर दिया है, कहाँ से लाएंगे 2,000 रुपये? 200 रुपये हम कमाते हैं, 200 रुपये हम कमाते हैं तो 2,000 कहाँ से लेके आएंगे? हम नहीं ले जा सकते ना, तो हम क्या अगर भीख ही मांगनी पड़ेगी हमें और क्या करेंगे हम? धंधा करना पड़ेगा, यही तो काम करना पड़ेगा। 27 तारीख को 5,000 रुपये कोर्ट में कटकूंडूमा कोर्ट में 27 तारीख को भर के आया हूँ, ये गाड़ी की चाबी मेरे पास। अब देखिए मैडम, जो ये चालान बढ़ा है ये काफ़ी ज़्यादा है और छोटी मोटी दिक्कतों को तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों हज़ार के चालान ये ड्राइवर कैसे भरेंगे? क्योंकि सभी ड्राइवरों की अपनी गाड़ी तो है नहीं, कुछ ड्राइवर गाड़ी किराए पर लेकर भी चलाते हैं, किसी का किराया 500 रुपये है, किसी का 450 रुपये है। हालांकि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो जान की हिफाजत के लिए बने हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी दिक्कतें हो जाती हैं तो पुलिस को उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और समझा देना चाहिए कि ऐसा ना हो दोबारा। 1.5-1.5 लाख रुपए वो चालान काट रहा है, बताइए आदमी नौकरी पेशा आदमी क्या देगा 1.5 लाख रुपए चालान का? हम तो बहुत परेशान है बहुत इस पर, ये सब गलत हो रखा है। ये यार कहते जितना करना है वो जायज़ कीजिए, जो करने का है 100 रुपये का अगर 1,000 करोगे किसी को, कोई बंदा एडमिट है हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, इसके पास एक ही बाइक है वो लेके जा रहा है, तुम 10,000 का या 50,000 का चालान थमा रहे हो गाड़ी, वो तो चलाएगा या खड़ी करेगा? वो तो बुरा हाल हो रहा है उसका। तो मैडम चालान तो बढ़ने के वजह से पर जो ऑटो वाले बेचारे हैं वो गरीब आदमी हो कहाँ से लाएंगे आप, ये आप सारा आदमी समझता है, लेकिन ऑटो वालों के लिए कोई सुविधा नहीं बनाई गई। दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार आती है इसमें चालान जो है बेफालतू के रीजनेबल बनाए गए हैं। ये अगर आपको प्राइवेट गाड़ियाँ उस पर अगर कर जाते तो एक बार जन्म देती, क्योंकि भाई कार वाले टैक्सी वाले और उन लोग कहाँ से लाएंगे? हम गरीब आदमी, रोज़ कमाना रोज़ खाना है मैडम, उसमें जो आदमी जो है रीजनेबल, अगर मान लो 10,000 का चालान है तो वाकई में ब्याज पे पैसा लगा या बैठे बैठे बेचेगा तभी तो करेगा, कहाँ से करेगा? आपने कहा जा रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए, तो इसके में क्या मेरी हमारी क्या सेफ्टी है इसमें ये बताइए? हमारे तो हमने हमें स्टैंड बना के दिया तक के ना, तो हमें कोई वगैरह किसकी सेफ्टी है इसलिए बोलो? नहीं, 24 घंटे सेफ्टी रहते हैं, हमें पता है रेड लाइट जंप करने से एक्सीडेंट हो सकता है और भी किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या बताएंगे सरकार? हम तो कहेंगे ये कानून को हटा दिया जाए, जो पहले था वही कानून लागू करें, ये चालान हम लोग खिलाफ हैं, हम लोग धरना देंगे अब कुछ दिनों के अंदर जंतर मंतर पे जाके। चारे कर दिया 2,000 का चालान 15,000 रुपये का, ऐसे कैसे हो पाएगा? 15,000 तो हम पूरे महीने कमा के जोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे, छोटी सी कमाई है उसमें किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं, और चालान हो गया तब तो फिर बर्तन भांडे बिकने की नौबत आ जाएगी। चालान इतने हो रहे हैं, अभी कितने का हुआ अमजद का चालान भाई? 18,000 रुपये का चालान हुआ हमारे दोस्त का, सिर्फ किस चीज़ का? हेलमेट का हुआ है, सिर्फ पेपर का 18,000 रुपये का चालान हुआ, गाड़ी बंद कर दी उनकी, और गाड़ी है 15,000 की गाड़ी है वो, उस पर 18,000 का चालान कर दिया। और मतलब देखो चालान इतना आम जनता तो दे नहीं पाएगी। ठीक है कट रहे हैं चालान, कोई बात नहीं कटे, हमें उससे कोई वो नहीं है, पर जो हमें परेशानियां मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं उसके ऊपर कोई चालान नहीं है। हमारी सीवर लाइन बंद हो जाती है तो उसके ऊपर कोई चालान नहीं है, रोड टूट जाता है तो उस पर कोई चालान नहीं है,
स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है तो उस पर कोई चलान नहीं है। इतनी परेशानियां उठा रहे हैं उसके बावजूद उन चीज़ों पे चलान नहीं है। और इन चीज़ों पे अगर मोदी ने अच्छा करा, कोई नहीं, अच्छी बात है, कानून लागू करा, लेकिन कानून कम से कम ऐसा तो लागू करो कि 10,000 की गाड़ी है और उसका 30,000 का चलान काट दिया, ऐसा भी कानून लागू नहीं करो। गरीब आदमी भी है इसके अंदर, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इतना परेशान हैं। 1,00,000 मैडम, हमें इतना लग रहा है कि गरीब आदमी पिस रहा है, बस इतना लग रहा है। और गरीब आदमी मर रहा है दिन पे दिन, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। आप आज न्यूज़ देख लो, चैनल देख लो, वीडियो देख लो, कोई चलान काट रहा है, कितनी गाड़ी नहीं है, कितने का चलान कट रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या जाए, चोरी चकरी करेगा, पुलिस लड़ाई बंद कर देगी, गलत काम होंगे, क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, इस काम से आदमी मेहनत नहीं करेगा, क्या करेगा? जब मैं सोच नहीं खा पा रहा, सुबह से यहाँ पर खड़े में कोई सवारी नहीं आ रही, क्या करें बताओ। जवाले अब जिसके घर में गाड़ियाँ हैं, अब वही ये गाड़ियों में रखी रखी जंग लगेंगी और क्या होगा, क्योंकि अब इतने प्रूफ है नहीं लोगों के पास, जो लोग पूरा कर सके, जो पब्लिक पूरा कर सके। इतनी सारी वो मांग रहे हैं, कहाँ से लाएगी पब्लिक? प्रशासन इतना टाइट कर दिए हैं, चलान जो था 100 रुपए का वो 1,000 रुपए भरेगा आदमी, क्या स्कूटर खड़ा कर दिया, मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, चप्पलों पर इतने प्रशासन तंग कर रही पुलिस, सबको बहुत बुरा हाल है। रोड पे चल नहीं सकते जी। और बहुत सी ऐसी बातें, कारोबार कर भी नहीं सकते जी। वो कारोबार करने के लिए अगर कुछ होता है तो मोदी जी की सरकार अब पता नहीं कितने कानून लागू कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कानून इतने हैं कि पब्लिक जनता जो है ना उस चक्की के अंदर पीस के रह गई है। ये जैसा गाड़ियों का इन्होंने चलान इतने इतने महंगे कर दिए, माल भी हम दो दो गाड़ी में लाना पड़ लिया एक ही जगह। चालान पे गरीब आदमी के चालान रह पाए, किसी गलती धोखी हो जाती है, कोई आदमी उसका चुका भी देता था, अब इतना महंगा हो गया आदमी क्या कहे, 10,000 का वाहन है, 30,000 का चालान हो रहा है, कैसे काम चलेगा? मोदी ने एक तो लाइसेंस और उस पर इतना चलान कर दिया है, बहुत ज़्यादा चलान कर दिया है, गरीब क्या करेंगे इसमें, ये बताइए। चलान की कुछ कैसी प्रॉब्लम होती है, लोग बाग लाइसेंस नहीं बनवा पाते, कुछ नहीं कर पाते, गाड़ी के प्रदूषण उसका इतना चलान कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं तो इसी चीज़ के खिलाफ हूँ, बस इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। ये सब जो कारोबार ही नहीं, तो महंगाई तो बढ़ेगी, सब परेशान है, एक एक पैसे से परेशान है हर आदमी। 10,000 का चालान, 15,000 का चालान, एक ऑटो वाला 300-400 रुपये कमाता है, वो 15,000 का चालान कहाँ से भरेगा? वो तो किराए में करेगा फिर, वो बताइए भाई 15,000 होंगे नहीं, गाड़ी वालों से मारेगा। मतलब ये चलान वाली बात इस तरह की नहीं है, देखो ये तो एक केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारे अमाउंट पूरे भर जाएं, जो खाली करे उन लोगों ने भरना चाहते हैं पब्लिक से लेकर के, ये काम है केवल, और कोई वजह नहीं है इसके अंदर। लोग काम धंधे से पब्लिक परेशान है और हालात इतने वो हो गए हैं, इस टाइम मारा मार हो पड़ी है, गरीब आदमी जो है रह नहीं सकता है दिल्ली के अंदर। और जो है अब देख लो ऑटो चला रहे हैं बेचारे, पूरे दिन कमाते हैं, इनके 5,000-20,000 रुपये के चलान कट रहे हैं, ये चलान नहीं होने चाहिए, फिर इन चलानों को सस्ता करा जाए, हमारा तो ये गरीब आदमी मारा जाएगा। अगर आपके सरकार मोदी की आ गई तो जितने भी रहने वाले हैं सबको भगा देगा मोदी यहाँ से, तो क्या दे, क्योंकि गाड़ी किराए की है, घर भी है, बच्चे हैं, उनको क्या दे? अब एक ये हिसाब लगाओ, कम से कम 1,000 रुपये का चलान है, 1,000 रुपये में कब नो पार्किंग का भी 1,000 रुपये का चलान है, तो कई दिन की कमाई चली जाती है उसके अंदर। कहा जा रहा है कि ये चलान जो बड़े हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए बड़े हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम कोई सेफ्टी ही नहीं है इस चीज़ जो कह रहे हैं ना लोग की सेफ्टी है, सेफ्टी की कोई चीज नहीं है। ये बताइए ना कि क्या वो है? हमारा जो चलान हो एक बार पुलिस वाले मुंह खोल गएंगे, 1,200 के चलान है तो वो 200 पर 400 पर 500 पर मान जाएंगे, उनकी कमाई बढ़ा है, हमारा कमाई तो पॉकेट से निकलेगा ना। और गुरुग्राम में आज क्या नाम 94,000 का चलान हुआ है ऑटो का, 94,000, हर एक का 75,000, हर एक का 35,000। मैम बढ़ने तो चाहिए लेकिन इतना इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि हमारा सारे ही ख़त्म हो जाए। एक्चुअली जो होना चाहिए, अभी आप 100 का 200 कर लो, 50% इंक्रीज़ कर लो या 100% इंक्रीज़ कर लो, लेकिन ये थोड़ी ना है कि 100 का 1,000 कर लो। 30,000 बढ़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो चालान जो अभी करा है, ये चालान की जो व्यवस्था लगाई इन्होंने अच्छी है, गुड है एकदम बिल्कुल, इससे थोड़ा जो चालान बढ़ा है कुछ रूल फॉलो भी करेंगे। पर मेन चीज़ तो ये है ना, जैसे इन्होंने चालान बढ़ाया है वैसे इनको भी तो अपना कुछ करना चाहिए, जैसे कि बत्ती होती है ख़राब होती है तो उस पर भी उनको चालान देना चाहिए, जो कि ड्राइवर है जो भी है, टैक्सी ड्राइवर होते हैं कोई भी है, अगर बत्ती ख़राब है या रोड ख़राब है कुछ भी है तो सरकार उनको चालान दे फिर वापस।
लेकिन जो इंसान कमाता ही 10,000 है, वो 30,000 जुर्माना कैसे भरेगा? वही चीज़ तो बोल रहा हूँ ना मैं, अगर जैसे कि रोड पर गड्ढे हैं तो उस पर सरकार चालान देगी उन लोगों को जो ड्राइवर लोग हैं जिनके ऊपर चालान लगा रहे हैं। 100 रुपये का चालान था, 10,000 रुपये का कर दिया, सबके पीछे एक जीरो बढ़ा दी उन्होंने, ठीक है। तो ये अपना भी तो रूल बना है, अगर रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया जब बाई चांस, तो उसका चालान कौन भुग देगा? उसको तो सरकार को देना चाहिए ना, जब वो हमसे ले रही है तो उनका भी फर्ज बनता है ना हमको देने के लिए। और रोड पे गड्ढे होते हैं काफ़ी, रोड बनाते नहीं है, चालान लेने के लिए आ जाते हैं। बत्तियाँ ख़राब होती हैं, बारिश के टाइम में काफ़ी जाम लग जाता है, तब भी कोई व्यवस्था नहीं होती इनकी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।